सियासतदानों की इज्जत कदर हमारे दिल और दिमाग से खत्म हो चुकी। तो भाई ये कंटेनर से सामान उतर रहा है, ये देख लो। जो जो समझते थे ना कि फेक आता सामान, नहीं भाई, ये देखो कंटेनर से सामान उतर रहा है और ये सारा का सारा जो है ना चाइना से आया। मैं तो कह रहा था कि कंटेनर ही इधर बुला ले, लेकिन भाई परवेज इलाही की वजह से किलो किलोमीटर तक सारा कुछ बंद कर रखा है, कहां से कंटेनर ले जाने भाई हेलीकॉप्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें होने वाली है, क्योंकि आज हमारे जहानिया में हो रहा है जी जलसा पीटीआई का। और आपको दिखाता हूँ भाई, बाहर बहुत बड़ी नफरी आई हुई है, पुलिस आई हुई है, सीएम आ रहा है भाई, परवेज इलाही, और जलसा आज तैयार जो है शुरू हो चुका है आज जलसा। और आपको दिखाता हूँ जो नफरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हैं और बेहतरीन नफरी आई हुई। और आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ। आसिम से पूछते हैं अभी कौन आ रहा है। बेटा हम कल मजे ले आए ना सुकून से, आज देख बढ़ने भी नहीं दे रहे किसी को। नहीं वहाँ पर जा रहे हैं, वो देखो भाई, वो देखो भाई, पीटीआई की आवाम जा रही है, रैली जा रही है, सीएम आ रहा है और हेलीकॉप्टर आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। जब हेलीकॉप्टर आएगा हेलीकॉप्टर से मिलवाऊंगा। अंकल आपका इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेना आपका। कौन आ रहा है पता नहीं, कोई गुजराती हमजा शहबाज साहब। नहीं नहीं वजीर आला पंजाब। हाँ नहीं नहीं परवेज इलाही। हाँ परवेज इलाही। हाँ तो हमजा शहबाज कहाँ है? वो भूल गया था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा अंकल आपको पता ही नहीं है, मर्जी है। नहीं आपको पता है, अब तो पता चल गया ना। किस पे आ रहा है, हेलीकॉप्टर पे आ रहा, गाड़ी पे आ रहा? गाड़ी पे बता रहे हैं बाय रोड बाय एयर, क्योंकि वो बना हुआ है ना हेलीपैड बना हुआ। कब बना हुआ है? कल का बना हुआ। अच्छा दीवार भी अंदर अंदर तोड़ी हुई है सब कुछ, हेलीपैड पे आएगा हेलीकॉप्टर आएगा। तो हेलीकॉप्टर पे भाई ये है कि हम इतने दिलचस्पी नहीं लेते। हाँ सही बात है, फायदा ही नहीं है। जो हम है ना ऐसे ही सियासतदान ऐसे लोटे, सियासतदानों की इज्जत कदर हमारे दिल और दिमाग से खत्म हो चुकी। तो और क्या, क्योंकि हमें कहने की और बताने की किसी को जरूरत ही नहीं, ये खुद ही अपनी सिफते अपने आप को बताते हैं। ऐसे ही कोई मैं आपको चोर कहता हूँ, वो ठगा कहता है, वो लुटेरा कहता है, ऐसे ही वो कोई समझ नहीं, कोई पता नहीं कहता है, और घरों तक औरतों तक पहुँच जाते हैं। तो और क्या बता, आप कसर क्या रह गई? कुछ भी नहीं, पीछे रह गया कुछ शायद, सारी तो कह दिया रह गया। और क्या भाई ये कंटेनर से सामान उतर रहा है, ये देख लो। जो जो समझते थे ना कि फेक आता सामान, नहीं भाई, ये देखो कंटेनर से सामान उतर रहा है और ये सारा का सारा जो है ना चाइना से है। ये देखो भाई, ये है इनमें से अपना कादरी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा इतना बड़ा कंटेनर है कि कैमरे में भी पूरा नज़र नहीं आ रहा, मैं और छोटा करके थे वाइट एंगल करता हूँ। ले जा यार काम कर ही रख अपना, बंदे काम करना छोड़ देते हैं यार। पता नहीं वीडियो जो भी बना रहा है अपना, उसको देख के काम देखना शुरू कर देते हैं कि भाई वीडियो में कर क्या रहा है। और भाई कंटेनर आ गया, अब जाके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम, जाके पूरे कंटेनर की जितना भी सामान इसमें से अनलोड करना ना अपना वो हो जाएगा। उसके बाद हम घर जाएंगे, और घर नहीं जाएंगे बल्कि इसको घर तक लेके जाएंगे, तो वहाँ जाके स्कैन करेंगे अनबॉक्सिंग के भाई आखिरकार आज का सम्मान क्या आया है हमारा। आपस में मुखालफत ही नहीं खत्म होती, तो हम किसकी ना माने, ऐसे ही सही कह रहे हो। हमारी तरफ से तो हमें तो ये लगता है ये सब चोर हैं, सारे चोर हैं, ये ठग हैं लुटेरे हैं, 70 साल से चोर ही आ रहे हैं। हाँ ये देख लो भाई, वहाँ अंकल का गुस्सा देख रहे हो, 70 साल का गुस्सा जो अंकल का निकल रहा बाहर, और काके के भी राय लेते हैं इस कोने में चढ़ के, वो बनानी है सीढ़ियों वाली छत के ऊपर चढ़ के हेलीकॉप्टर की वीडियो बनाएंगे। हेलीकॉप्टर आने वाला, और कासिम ना भाई चाइना का माल आने वाला चाइना से, और कासिम वो लेने गया हुआ है भाई भी, कासिम भी। तो हमारे आ रहे हैं जी 3D पेन, तो वो आते हैं तो दिखाता हूँ। तो एक और कंटेनर आया हमारा सामान का, तो दिखाऊंगा जैसे आएंगे, और मैं आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाऊंगा जैसे ही सीएम आएगा जहानिया में, तो दिखाऊंगा भाई। वेट करते हैं तब तक के कासिम का इंतजार करते हैं। तो मैं इंतजार ही कर रहा था, और वहां पर देख सकते हैं भाई कासिम और भाई ले आए हैं 3D पेन, और आपको दिखाते हैं भाई। ये देखो भाई माल आ चुका है, और आपको दिखाता हूँ मैं। 5 कार्टन ही थे, दो का दो काकर ये ले आएंगे यार, जाओ ले आओ। ये देखो भाई अभी 3 कार्टन आ चुके हैं, हम इसको वहाँ लेके जाते हैं और दिखाते हैं आपको। मैं तो कह रहा था कि कंटेनर ही इधर बुला ले, लेकिन भाई परवेज इलाही की वजह से किलो किलोमीटर तक सारा कुछ बंद कर रखा है, कहाँ से कंटेनर ले आ जाने भाई। हेलीकॉप्टर ऐसे सामान ढोएंगे हम सारा, अभी और भी आने वाला है।
अभी ये 5 कार्टन लेके चलते हैं अंदर। तो भाई एक कार्टन खोल लिया हमने और एक कार्टन में से निकला है जी ये 3D पेन। आप देख सकते हो भाई खूबसूरत तरीन प्रोडक्ट आई है और ओपन करते आप देख सकते हैं अंदर से निकलता है PLA, एक यूजर मैनुअल, एक 3D पेन। भाई ये चीज़ होती है असल 3D पेन जो के बनाने में काम आती है और इसके जरिए ही 3D में प्रोडक्ट बनती है। तो ये चाइना से आए हैं, सारे कार्टन खोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं किस तरह की क्वालिटी, कौन कौन से रंग है। लीजिए जी भी आप देख सकते हैं भाई लग चुके हैं हमारे सारे 3D पेन टोटल लग चुके हैं भाई। ये कम से कम अभी ना 100 पीस लगा, अभी ये 2 कार्टन खुलने वाले रहते हैं, ये रहते हैं, तो काफी सारे लग चुके हैं वीडियोस में कि भाई एक बंदा ऐसे लाता है, बंदा लगाता है कार्डबोर्ड लगाता है और उसकी बेगम आती है ऐसे कर देती है तस्वीरें। ये देख लो भाई इसने क्या खच मारी है पागल से ने। ऐसे आती है उसकी बेगम और ऐसे जाती है और ये सारे इसने घेर दिया देख लो। जो उसकी मेहनत होती है ना बेचारे बंदे की तो वो ऐसे तबाह हो जाती है। तो अब ये दोबारा जोड़ेगा और ये फिर दोबारा बनाएगा, मैं इसको कहूंगा दोबारा जोड़ भी, चल दोबारा जोड़। इस व्लॉग का सेकंड पार्ट जो है पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा सबसे पहले वो जाके देख के आओ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।